फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके लाइफ में भोले बाबा की कृपा बना रहे। और आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि एलपी का लाइफ एक कैसा होता है, और मेरा पहला ड्यूटी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो एज एलपी में इंडिपेंडेंट ड्यूटी किया था। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो भी एलपी एस्पिरेंट हो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि एलपी बनने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कि एलपी जॉब में आने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ये जॉब आप समझ लीजिए कि आप जब एलपी जॉब ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका जब एलपी ड्यूटी करेंगे तो आपको अपने जो भी लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी करना होगा वो आपके जॉब के टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपका अगर अभी ऑफ होता है 12 बजे दिन में, और अगर आप रात में अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपका अगर रात में ज़्यादा गाड़ी चलेंगे तो आपको रात ही में आप रेस्ट ऑफ होने के बाद आपका कॉल आ सकता है रात में कभी भी। तो इसके लिए आपको उसके हिसाब से आपको दिन में रेस्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको रात में जब ड्यूटी आएगी तो आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि रात में वर्किंग करना थोड़ा टफ होता है, और आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे तभी आप वर्किंग कर पाएंगे। तो पहले फ्रेंड्स, एलआर वेरीफाई करवाने के बाद हम लोगों को एलपी ड्यूटी करना पड़ता है। 5 को एलपी किया जाता है। को एलपी मतलब होता है कि जैसे आप लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के साथ को ड्यूटी कर सकते हैं। 5 ट्रिप करना पड़ता है, उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी फिर करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो 5 ड्यूटी मेरी को करने के बाद, और फिर मैं एलपी एज इंडिपेंडेंट ड्यूटी किया था। फ्रेंड्स, मेरी पहली ड्यूटी आई थी एज अ पायलट 26 जून को, और उस दिन मैं पायलट वर्किंग किया था। पायलट मतलब होता है कि अगर किसी का एलआर ड्यू हो जाता है तो उस वहाँ पर आपको पायलट करना पड़ता है कि कौन सा सिग्नल आएगा, क्या आएगा, उसका एस्पेक्ट क्या होगा, आगे बताना पड़ता है। और मैं यहाँ से थर्मल पावर प्लांट मेरी पहली ड्यूटी लगी थी, जिसमें मुझे एज अ पायलट वर्क करना था। और मैं उस दिन रात में 22 बजे का टीओ था, और सुबह में 6 बजे ऑफ किया था ड्यूटी। तो उस दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था मेरा, और थोड़ा बहुत डर तो लगता है पहला ट्रिप में, लेकिन काफ़ी अच्छे से वर्किंग किया मैंने, और पूरा डर फिर चला गया, और अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो ऐसे एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब एलपी बनेंगे तो आप लोगों को भी कैसा फील होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी तक जितने दिन भी वर्किंग किया हूँ उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा अभी। तो ये साथ आप बने रहे, और जो भी चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से मान के पहुँचाना है अपने भाई के चैनल को। और चलिए तो शुरू करते हैं, आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूंगा अभी। सर, पहला बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये जॉब तो बहुत बढ़िया है, मगर आप जितने घर के नज़दीक रह के जॉब करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपको छुट्टी भी कम लेनी पड़ेगी और आप अपने घर के टच में रहेंगे। जॉब में आपको छुट्टी थोड़ा कम मिलता है, तो इस जॉब में अगर आप जितने सामने घर के नज़दीक रहेंगे आपके लिए एक फ़ायदा होगा कि अगर आपकी ड्यूटी मतलब एक एक दिन नहीं आती है तो आप अपने घर में रह पाएंगे और फैमिली को टाइम दे पाएंगे और अपना मतलब सोशल लाइफ भी जी पाएंगे अच्छे से। तो जॉब कोशिश करिए कि आप नज़दीकी बोर्ड से ही फॉर्म भरें अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। और फ्रेंड्स, अगर आप घर के नज़दीक रहेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी रेस्ट अप होने के बाद और आपके घंटे अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको कॉल नहीं आएगा और आप अपना टाइम फैमिली को दे पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप कोशिश करिएगा कि जितने नज़दीक बोर्ड से फॉर्म भर सकूँ भरने का कोशिश करिएगा, क्योंकि उसी से आपका दूसरा बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस जॉब में आपको रात में जागना पड़ सकता है, क्योंकि ये जॉब 24 आवर्स वर्किंग में रहता है इस जॉब में। तो आप जैसे कि अगर आपका रेस्ट आप रात में हो जाता है 22 बजे, तो आपको रात में अगर गाड़ियाँ ज़्यादा चलने लगेगी तो आपको कॉल आ सकती है। तो आपको जैसे सपोज आपका रात में 2 बजे कॉल आया तो आपको 2 घंटे पहले कॉल कर दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको रात में ड्यूटी 2 बजे जाना पड़ेगा साइन ऑन करने के लिए, और आप रात में पूरा वर्किंग करेंगे। तो रात का टीओ बहुत कम ही लगता है वर्किंग में महीने में, ये बहुत मतलब ये गाड़ियाँ के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका रेस्ट अप कब ड्यू हो रहा है पूरा हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रात में भी आपको वर्किंग करना पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिन में
सोना पड़ेगा और फिर रात में जाग तभी आप जाग पाएंगे। तो इसमें आपको अपना थोड़ा हैबिचुअल बनाना पड़ेगा डेली लाइफ में, क्योंकि आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग ही अपना सारा एक्टिविटी करेंगे तभी आपका जॉब शेड्यूल भी अच्छे से हो पाएगा। फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा कि आप जब ड्यूटी पे रहेंगे तो आप प्रॉपर रेस्ट करके ही मतलब हम लोगों को आना पड़ता है और पूरा कंसंट्रेशन ड्यूटी के टाइम से ड्यूटी पे लगाना पड़ता है, क्योंकि आप एक लोगों को लीड कर रहे हैं और आगे आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे आप फुल स्पीड में गाड़ी चलती है तो आगे आपको सारा ध्यान रखना है और ऊपर से आपको स्पीड रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितने परमिसिबल स्पीड से गाड़ी को चलाना है, वो आपको LPG को आपको बताते रहना पड़ेगा कि हाँ सर आगे क्वेश्चन आने वाला है, आगे स्पीड रेस्ट्रिक्शन है 20 km/h का, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा अवेयरनेस वहाँ पे रहना ज़रूरी है। अगर आपसे कोई भी चूक होती है तो आप ये मत सोचे कि LPG को सिर्फ पनिशमेंट मिलेगा और आप इसमें 100% आपको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो ड्यूटी के टाइम पे सिर्फ ड्यूटी पे ही फोकस करना इस जॉब में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये जॉब में ड्यूटी करने के टाइम पूरा फोकस रहना पड़ता है और बस ड्यूटी करिए मज़े में और क्या रहेगा, आपके अंदर अलर्ट रहेंगे तो ये ड्यूटी बहुत ही अच्छा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो ये काफ़ी रोचक नौकरी है। इससे मैं यही सब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था कि आपको थोड़ा मतलब अपने ड्यूटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना डेली शेड्यूल मतलब बनाना पड़ेगा कि आपके ड्यूटी कब आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने घर का काम भी करना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट भी लेना पड़ेगा, तभी आप ड्यूटी में अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे। तो ये जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और इसमें अलर्टनेस अवेयरनेस सब बहुत ज़रूरी है इस जॉब में। तो और आई विज़न तो आप जानते हैं 6x6 होना चाहिए, तो जिनके भी आई विज़न 6x6 नहीं है वो ज़रूर चेकअप करवा लें, क्योंकि आपका जब साइको एग्ज़ाम होगा तभी विज़न सर्टिफिकेट मांगा जाता है, 6x6 विज़न सर्टिफिकेट। अगर उस समय आपके पास नहीं रहेगा तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, और अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं तो आपको डी कैटेगराइज करके आप टेक्नीशियन पोस्ट में जा पाएंगे। अगर आपका कटअप पार होता है, ITI होल्डर आप रहते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका आई विज़न 6x6 रहना चाहिए, और जो भी LPS एस्पिरेंट है अपना मन लगा करके तैयारी करिए, क्योंकि फ्यूचर में वैकेंसी तो आएंगे ही, आप अपना अभी से प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और तैयारी करते रहिए, 100% आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप फुल डेडिकेशन दिखाएंगे तैयारी करेंगे तो आपका जरूर सारा कुछ सही होगा आगे। तो मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जल्दी अपने भाई के चैनल को 1K पहुँचाइए, तो आप लोग सपोर्ट करिए। तो ये मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।